लक्ष्मी ने इंद्र को ये बताया कि इन आठों बीजों के माध्यम से अष्ट लक्ष्मी को प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस विशेष मुहूर्त काल में साधक इन मंत्रों का जप करता है, स्तुति की है उत्तराखंड के साथ में, मन ही मन नहीं, इसमें बोलना पड़ेगा, होठों से ध्वनि बाहर निकलनी पड़ेगी। अब चाहे तो आप 15 मिनट तक मंत्र जाप कर सकते हैं, आधा घंटे तक कर सकते हैं, घंटे भर तक कर सकते हैं, और कुछ समय नहीं मिलते, दोनों टाइम में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने दोनों टाइमिंग लिखी कि हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है प्रातःकालीन 4 बजे से लगा करके सूर्योदय तक, इसमें दो क्षण, दो समय ऐसे आते हैं जो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वह है, पहला समय है 5:23 से लगा करके 5:31 तक का समय, 8 मिनट का समय प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले, 5:23 से 5:31 का एक समय। और दूसरा समय उन्होंने लिखा है 5:48 से लगा करके 5:59 तक, 6:01। और यह भी मेरा अनुभव है कि इस प्रकार के बीजों के मंत्र जब से, शाम को बिल्कुल आप लखपति नहीं बन जाएंगे, मगर आपकी आधे से अधिक प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती रहेंगी। फाइनेंशियली या व्यापारिक उन्नति की दृष्टि से, आर्थिक उन्नति की दृष्टि से, भौतिक उन्नति की दृष्टि से, भौतिक सफलता इसके लिए जो नित्य निमित्त जो साइड पॉइंट्स हैं, वे 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, सफेद आसन बिछा हो, क्योंकि लक्ष्मी श्वेत वसना कही गई है। सफेद या पीली धोती पहनी हो, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह हो, शुद्ध का दीपक हो, और क्रोध मोह आदि वर्जित हो, क्रोध और मोह से वर्जित हो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक शांत हो आपको, ये 5 क्रम उसके साथ देते। इसमें अष्ट बीज का जप होना चाहिए, 8 बीज, 8 लक्ष्मी है, उन 8 लक्ष्मियों के लिए 8 बीज। पहला है ऐंग, दूसरा बीज है रींग, तीसरा बीज है श्रींग, चौथा बीज है कुम, पांचवा बीज है यम, छठा बीज आप दीजिए श्रींग, सातवां होगा ट्रॉन्ग, आठवां बीज श्रम, और आगे सब लगा दीजिए नमः। ऐंग रींग श्रींग कुम यम श्रेंग ट्रॉन्ग श्रम नमः। ऐंग रींग श्रींग कुम यम श्रेंग ट्रॉन्ग श्रम